इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और INN 7 में आप सभी का खैर मकदम। अहम खबरों पर एक नजर। कहर कोरोना का जारी, आज फिर 400 के करीब पॉजिटिव मरीज पाए गए तो 190 डिस्चार्ज हुए हैं। तकरीबन 10 लोगों की मौत कोरोना से होने की इत्तला हासिल हुई है। होम आइसोलेशन के नतीजे भी बेहतर साबित हो रहे हैं। 1500 से भी ज्यादा लोग होम क्वारंटाइन है, जिसमें से 780 मरीज कोरोना से बरी हुए हैं। कोरोना मरीजों को सांस की तकलीफ के मद्देनजर ऑक्सीजन की जरूरत को महसूस करते हुए अंजुमन इस्लाम की जानिब से मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई के बाद यह भी देखा गया कि मरीजों को फायदा भी हुआ, जिसके नतीजे बेहतर साबित हो रहे हैं। कुछ हद तक मौत के आंकड़ों में भी गिरावट आई है। लिहाजा इसी नहज पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उद्यम बाग के कारोबारियों की जानिब से कोरोना मरीज जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इन्हें ऑक्सीजन के जरिए इलाज करने की पहल की है। छोटे पैमाने पर फैक्ट्रियों की कमेटी के सदर रोहन जौली ने अंजुमन इस्लाम की मिसाल देते हुए कहा कि बेलगाम शहर में कोरोना मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और अक्सर लोगों की मौत का सबब भी यही माना जा रहा है। लिहाजा तमाम कारोबारियों ने इकदाम करते हुए मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचाने का अज्म किया है। बढ़ते मरीजों के मद्देनजर जहां सेहत महकमा इंतजामिया परेशान है, वहीं दूसरी तरफ निजी अस्पताल वालों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। लाखों की बिल अदा करने पर भी मरीज की मौत पर सवाल उठाते हुए पुलिस थाने के दरवाजे पर दस्तक देकर मुकदमा दर्ज करने तक की पहल की है। हुकूमत की जानिब से कई बार हिदायत देकर सख्त कार्रवाई का इशारा भी दिया गया था, पर आज भी कई अस्पताल वालों ने मनमानी की आदत नहीं छोड़ी है और बेतहाशा बिल मरीजों की जानिब से लिए जा रहे हैं, जबकि हुकूमत ने अपनी गाइडलाइन के जरिए इन्हें समझाया था कि मरीजों की जानिब से वाजिब पैसे लिए जाए। नीलजी के मरीज को 9 तारीख को अस्पताल में दाखिल किया गया था और 14 तारीख को इसकी मौत हुई। इसके घर वालों का कहना है कि इस मरीज को कोरोना होने की बात इसके मौत के बाद बताई गई और मौत की इत्तला के साथ 1.5 लाख का बिल थमाया गया और एक वकील पर 2 बार इलाज किया गया, जिसका बिल 8 लाख किया गया और एक वकील पर 9 दिन तक इलाज किया गया और 2 लाख के करीब इसका बिल लिया गया। एडवोकेट लक्ष्मण पाटिल ने बेहिसाब बिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया। इसी तरह माधव चौहान ने भी सेहत महकमा और आला अफसर मुनीश मोदगल को अर्जी देकर अपनी शिकायत दर्ज की। आवाम की जानिब से सवाल किया जा रहा है कि क्या इन डॉक्टरों पर या निजी अस्पतालों पर वाकई कार्रवाई होगी। अगर इतनी बड़ी रकम बतौर बिल मरीजों से लिया जाएगा तो क्या गरीबों के लिए मौत ही एक रास्ता बच गया? जरूरत है हुकूमत को ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अब अदालत इंतजामिया भी क्या फैसला सुनाती है, इस पर सभी की तवज्जो है। कोरोना के दौर में कई त्योहारों पर भी पाबंदी लगाने की मांग कई तंजीमों की जानिब से की जा रही है। तो कुछ तंजीमों को त्यौहार जरूरी लग रहा है। अब गणपति मुहर्रम त्यौहार बिल्कुल नज़दीक है। गणेश की मूर्तियां पंडाल के लिए कुछ हिदायत हुकूमत की जानिब से दी गई है, तो मुहर्रम के लिए भी हिदायत दी गई है। हासिल इत्तला के मुताबिक इस बार किसी भी मजहब का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। गणेश के जुलूस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाएगी और अगर इजाज़त भी है तो सिर्फ 5 लोगों को इजाजत दी गई। इससे पहले 24 घंटे तक गणेश विसर्जन का जुलूस जारी रहता था, पर अब इस पर सख्ती से अमल किया जाएगा, ऐसा हुकूमत की जानिब से बताया गया है। बेलगाम शहर में 11 दिन गणेश त्योहार मनाया जाता है, जिसमें काफी भीड़ हुआ करती थी, पर कोरोना महामारी के मद्देनजर काफी पाबंदियां लगा दी गई है। पर कुछ मुखालफत के चलते कुछ रियायत दी गई, पर जुलूस और डीजे पर सख्ती से कार्रवाई करने का इशारा दिया गया। यूं ही देखते रहिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।